सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निकुल चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्स अप गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे फ्यूचर में आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। गो फिश स्कैम, हम सब तो नॉर्मल फिश पकड़ने के लिए काम में लेते हैं फिशिंग रॉड, बट उसकी मदद से हम जान नहीं पाते कि पानी में मछलियाँ है या नहीं। सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग गो फिश स्कैम, इसकी मदद से आप पानी में मछलियाँ है या नहीं ये पहले से ही जान पाएंगे। और इस ये एक अंडर वाटर कैमरा है जिसकी मदद से आप लाइव वीडियो अपने मोबाइल में देख पाएंगे, जिसकी मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि पानी में मछलियाँ है या नहीं। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये नाइट विजन में भी काम करता है। ये नॉर्मली हॉटस्पॉट के जरिए आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसकी मदद से आप इसकी लाइव फुटेज अपने मोबाइल में यानी अपने स्मार्टफोन में देख पाएंगे, जिसकी मदद से आप नाइट फुटेज भी देख सकते हैं और पानी के अंदर क्या चल रहा है वो भी आसानी से जान पाएंगे। सो गाइस, इसके लिए एक लाइट तो बनता है। सो दूसरा है लाइट कैम, नॉर्मली हम सब अपने होम की सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर लगाते हैं कैमरा। सो इंट्रोड्यूसिंग गाइस लाइट कैम, लाइट कैम एक ऐसा कैमरा है जो लाइट और कैमरा दोनों का काम करता है और इसको देखकर किसी को भी पता नहीं चलता कि ये एक कैमरा है। आप अपने मुताबिक इस कैमरा की साइज एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कैमरा को नीचे ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, इसकी साइज छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, कैमरा को आप रोटेट कर सकते हैं और इसको आप अपने लैंप की जगह पर फिक्स कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल ही एक लैंप की तरह भी काम करता है, तो किसी को भी ये देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक कैमरा है। सिक्योरिटी का अलर्ट नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में ही मिल जाता है, तो आप कहीं पर भी बैठ कर आपके घर का फुटेज अपने मोबाइल में लाइव देख पाएंगे और इसकी मदद से आप अपने होम पर लाइव नज़र रख पाएंगे। सो गाइस प्लीज़, इसके लिए भी एक लाइक तो बनता है। JJRC क्रैब ड्रोन, दोस्तों आज के इस ज़माने में हम जो जी रहे हैं उस ज़माने में ड्रोन एक बहुत ही यूज़फुल गैजेट माना जाता है। सभी लोग बच्चे और एडल्ट सभी लोग ड्रोन खरीदना चाहते हैं, पर ड्रोन के जो कुछ फीचर्स होते हैं वो आपको बहुत ही हाई बजट में मिलते हैं, यानी लो बजट में आपको ड्रोन के सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपको ड्रोन में अगर वीडियो कैमरा चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ही हाई प्राइस देनी पड़ती है, लेकिन जो आज मैं आपको ये ड्रोन लेके आया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1800 रुपये में अमेज़ोन पर मिल जाएगा और इसमें आपको ड्रोन के सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इस ड्रोन में आपको कैमरा भी मिल जाएगा जिसे आप आसमान में उड़ा के लाइव वीडियो शूटिंग कर सकते हैं और इसको लाइव वीडियो आप अपने स्मार्टफोन में आसानी से देख पाएंगे और इसका कंट्रोलर भी आप अपने स्मार्टफोन में ही कर पाएंगे। आसानी से इस ड्रोन को आप आसमान में उड़ा पाएंगे और इसका कंट्रोल भी आपके मोबाइल में ही होगा और इसका जो भी कैमरा का शूटिंग है वो आप अपने स्मार्टफोन में लाइव देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये ड्रोन आपको पसंद आएगा और इसकी परचेस लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और गाइज, ये ड्रोन आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज़, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। रोमी स्मार्ट लाइट, आज के इस युग में हम जी रहे हैं वहाँ पे स्मार्ट लाइट एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट गैजेट बन गया है। आमतौर पर ये सभी के घर में दिखने वाला गैजेट है, लेकिन जो आज मैं आपको गैजेट बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉर्मल लाइट से बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। रोमी स्मार्ट लाइट बिल्कुल ही ऑटोमेटिक लाइट है, जैसे ही आप अपने घर के अंदर जाते हैं ये ऑटोमेटिकली इसका सेंसर आपको डिटेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है और जैसे आप घर के बाहर जाते हैं इसका सेंसर आपको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ कर देता है, जिससे आपकी बिजली की बचत भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसकी लाइट भी बहुत ही नॉर्मल लाइट से बहुत ही अच्छी है जो आपको आँखों में नहीं चुभेगी, जैसे ही आप सो जाते हैं वैसे ये लाइट आपको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और जैसे आप उठते हैं वैसे ये लाइट आपको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और गाइस,
इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगी है कि इसमें चारों ओर सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से अगर आप इस लाइट की ब्राइटनेस को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें कोई भी स्विच नहीं दबानी है, सिर्फ अपने हाथों से आप इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके ऊपर आपको अपना हाथ ऊपर ले जाएंगे वैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और हाथ नीचे लाएंगे वैसे इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सो गाइस प्लीज इसके लिए एक लाइक तो बनता है। पिल्लो हेल्थ रोबोट, दोस्तों इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये एक हेल्थ रोबोट है, जिसकी मदद से आप अपनी दवाई कब लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है ये आसानी से जान पाते हैं। नॉर्मली हमारे घर में बहुत सारी दवाई पड़ी रहती है जिसकी हमें पता नहीं होता कि कौन सी दवाई कब लेनी है, तो ये रोबोट ऑटोमेटिकली आपको बता देगा आपके टाइम पे कि आपको दवा कब लेनी है और कौन सी दवा लेनी है। और इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगी फ्रेंड्स कि अगर इस रोबोट को आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसका रिप्लाई भी आपको बड़ी आसानी से दे देता है, यानी आप इसको कोई भी मेडिसिन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इसका आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से रिप्लाई भी देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने टाइम पर भूल जाते हैं कि हमारे दवाई लेने का टाइम हो गया है, तो ये मशीन यानी ये रोबोट आपको अपने टाइम पर बता देगा कि आपके दवाई लेने का टाइम हो गया है। इसकी स्क्रीन पर यानी इसकी LED स्क्रीन पर आपको सब लिखा हुआ मिल जाता है और ये ऑटोमेटिकली दवाई भी आपको इसमें दे देता है। और फ्रेंड्स इसकी खास बात तो मुझे ये लगी कि ये आपको फ़ोन करके भी आपके दवाई लेने का टाइम और कौन सी दवाई लेनी है ये भी आपको बता देगा, और कई बार ये नोटिफिकेशन भी आपको अपने फ़ोन पर भेज देता है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है तो ये रोबोट ऑटोमेटिकली कोई ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट हो जाता है, और आपको कोई भी डॉक्टर से अगर बात करनी है तो आप ऑनलाइन ही डॉक्टर से बात कर पाएंगे। सो गाइस प्लीज़ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।